आता है, मतलब पशु से निकल के आता है। तो मतलब आपका कहना यह कि दूध पीना चाहिए कि नहीं? पहली बात तो दूध सबसे अच्छा गाय का होता है, उसके ऊपर साइंटिफिक रिसर्च हुआ है, उससे बुद्धि बल शक्ति सात्विकता ज्यादा बढ़ती है, ठीक है। हर चीज में सत्वगुण रजोगुण तमोगुण होता है, तो गाय के दूध में सत्वगुण ज्यादा होता है, इसलिए गाय का पीना चाहिए। जहां तक गाय और भैंस किसी भी जीव का दूध पीना चाहिए कि नहीं, तो गाय का या भैंस का दूध निकालने से उसकी हिंसा नहीं होती, बल्कि गाय और भैंस दूध देके बड़ी राजी होती है। दूध ना निकालो तो रंबाती है कि नहीं रंबाती बता? दूध नहीं निकालने से गाय को कष्ट पीड़ा होती है कि निकालने से? बोल, नहीं निकालने से पीड़ा होती, तो हमने उसकी पीड़ा दूर की। और भाई चार थनों में से कम एक थन दूध उसके बछड़ा या बछड़ी को, उसके भी बच्चे को पिलाना चाहिए, और तीन थन का अधिकतम दूध तुम पी सकते हो, क्योंकि तुम भी उसकी सेवा करते हो, तो एक दूसरे की तो मदद करते हैं ना सृष्टि में, हम भी उनकी मदद करते हैं, वो हमारी मदद, ठीक है जी बेटा। शाकाहारी है मांसाहारी? दूध में फैट होने से कुछ लोग ये भ्रांति फैलाते हैं कि मांसाहार है। चिकनाई तो सरसों में भी है, सरसों कौन सा मांसाहार है? चिकनाई तो मूंगफली में भी है, बादाम में भी है, वो मांसाहार है? नहीं, फैट एक कंटेक्ट है, और वो तो पृथ्वी के अंदर ये सारे तत्व होते हैं, हर चीज में तत्व होते हैं, इसलिए मांसाहार वो होता है जिससे कि किसी जीव को कष्ट होता है, इसलिए दूध मांसाहार नहीं है, ठीक है। धन्यवाद।